देखा मेरे बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं? शैंपू नहीं है। सही, ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, अबे इस सूट में जान है। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी देखा एक क्लिप, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे तो आप लोग कमेंट करके ही बताना, और ऐसे लोगों का क्या हाल होना चाहिए वो भी कमेंट कर देना। वैसे तो इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है जिन्होंने ये कारनामा किया है। नाम तो लूँगा नहीं, ऐसे गंदे लोगों के नाम हम नहीं लेते, क्योंकि इनके बारे में जितने भी सैलून वाले थे, अच्छे अच्छे सैलून बड़े ब्रांड के, उनके भी नाम बदनाम हो सकते हैं इनके कारनामे की वजह से। तो उन लोगों ने मिलके इनकी अच्छे से रिलाई की है, और इनके सभी स्टोर बंद कराने के लिए किया गया है, और इनके ऊपर पूरी कार्रवाई होने वाली है। तो इसके कुछ और क्लिप आपको दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों के जो विचार हैं, जो हिंदुस्तान के नारी गौरव का जो सम्मान है उसको नष्ट करने की जैसा ही करते हैं। ऐसे कई सारे थूकबाज अभी 2 साल से सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। कोई खाने में थूक रहा है, कोई किसी चीज़ में थूक रहा है, बताओ आज सैलून में भी थूका जा रहा है लोगों के बाल पे। तो आप लोग कहीं पे भी जाओ ऐसे सैलून में जहां आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो कुछ फ़ोन वगैरह ऑन कर लिया करो कि एक आपके पास सिक्योरिटी होगी कि क्या किया जा रहा है पीछे से हेयर कटिंग के समय, कहीं आपके ऊपर तो थूका नहीं जा रहा है। तो थोड़ा बच के रहिए थूकबाजों से, और ऐसे लोग के लिए जो भी अच्छी अच्छी बातें बोलना चाहते हो आपका स्वागत है कमेंट में। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहो और सलाह देते रहो ऐसे थूकबाजों के लिए, क्योंकि इनको सीधा जेल पहुंचाना है। आप लोग को अपनी पावर दिखाओ, वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके इनको अच्छे से विश करो। देखो आगे कुछ क्लिप्स हैं वो आपको दिखा देते हैं। भारत माता की भाई, आज हम रोहिणी डिस्ट्रिक्ट मॉल में आए थे, प्रशांत विहार आए थे, सिटी सेंटर मॉल में आए थे। हमने यहाँ के सारे जावेद हबीब के सेंटर बंद करा दिए, और अल्टीमेटम दे रहे हैं हम। जिस तरीके से, जिस षड्यंत्रकारी सोच से इन्होंने हमारे देश की महिलाओं को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये अपमान बिल्कुल भी हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। 48 घंटे में या तो ये अपने सेंटर का नाम बदल दे, ये सेंटर के फ्रेंचाइजी वाले अपना नाम बदल दे, और ये सेंटर पूरी दिल्ली से हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, 48 घंटे में या तो ये बंद कर दे, नहीं तो इन्हें हम बंद कराने का काम करेंगे। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी आप लोगों ने वीडियो देखा लास्ट में क्या हुआ, कि जो भी दिल्ली की जितनी भी संगठन है, हिंदू संगठन, उन्होंने महिलाओं के अपमान के प्रति कदम उठाया और उनके इस हरकत को बंद कराने का प्रयास किया, और दिल्ली के जितने भी जावेद हबीब के हेयर सैलून के स्टोर थे सब बंद करा दिए गए हैं, और उनको वार्निंग दी गई है। तो ये सारा जो किस्सा है इस वीडियो में आपने देख लिया, और उसके आने वाले जो भी आगे के सैलून होंगे वो भी बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि कई सारे आपने देखा सैलून बंद कर देंगे। और एक फोटो भी देखा होगा जहाँ पे जो गूगल पे जितने भी उनके सैलून थे वो सारे वहाँ से क्लोज कर दिए गए, वो दिखा दिया गया वहाँ पे भी पूरे सबूत के साथ। तो जो भी देश के प्रति गलत काम करेगा, जैसे कि नारी सम्मान के प्रति इन्होंने बहुत ही गलत कदम उठाया, और अपने गलत इस काम के प्रति कितना वो पनिशमेंट, कितनी सजा भोगेंगे वो आपने आने वाले समय में देख लेंगे, और जेल जाने से कोई उनको छुड़ा नहीं सकता है। तो ऐसे ही काम अगर आप करते रहेंगे तो आपका
विनाश भी निश्चित होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोकल जितने भी आसपास के आपके क्षेत्र के ऐसे दिमागी बंदे हैं तो उनका दिमाग ठिकाने से आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करो और अच्छी अच्छी बातों के साथ कमेंट करो। अच्छी बात का मतलब जावेद हबीब के नाम से क्या आपके अंदर गुस्सा, क्या आपके अंदर सोच आती है, वो लिख के जरूर बताएं। हम भी आप लोग की बातों को जानना चाहेंगे, क्या आप इसके प्रति कहना चाहते हैं। तो इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।